अफरा तफरी पे और लड़ाई झगड़े पे और धींगा मुश्ती पे तवज्जो ना दे, इस पे तवज्जो दें कि आज इकोनॉमिकली वी आर ऑन द एज ऑफ द प्रेसिफिस, स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के खिलाफ वही जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से घेरा तंग हो रहा है, पॉलिटिकली वी आर अ हाउस डिवाइडेड। वो जो शेर इलामा इकबाल का है मेरे ख्याल आज से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगले दिन आर्मी चीफ गए अफगानिस्तान, मैंने दूसरे दिन किसी कहा कि मुझे खौफ आ रहा हूं, मैंने ये कहा मुझे खौफ आ रहा है कुछ होगा। उससे दूसरे दिन मुल्ला फजलुल्लाह को मार दिया गया। मैं हुकूमत में होता तो पूछता कि मुल्ला फजलुल्लाह तो बहुत अरसे दराज से उनके निशाने में था, उन्हें पता था कहां है। इस पे तो ड्रोन आज से 3 साल पहले 4 साल पहले भी मारा जा सकता था, 3 साल पहले 2 साल पहले भी। इस मौके पे क्यों मारा गया, ये अमरीकियों से भी पूछने की सवाल है और अफगानिस्तान से भी। फिर अगले दिन आर्मी चीफ को बुलाया और उससे अगले दिन, इसके बाद वो पाकिस्तान से इसकी कीमत वसूल करने की कोशिश करके पाकिस्तान किस पोजीशन में कीमत अदा। सो बहुत सारी कॉन्स्पिरसीज दर कॉन्स्पिरसीज, हमारी उस पर तवज्जो नहीं है। इंटरनल हेमरेजिंग हो रही है हमारी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी वाइज। मीडिया जाहिर है कि यहाँ एजेंडा और है। मेरे मीडिया के दोस्तों, ये मैं बार बार कहता हूँ, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कहता हूँ, इट माइट फॉल ऑन डेफ ईयर्स, इट हैज ऑलवेज फॉल ऑन डेफ ईयर्स, कि इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। पाकिस्तान, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में मीडिया पे चार्जशीट की है, कुछ बयान आप से मंसूब हो चले जो आपने नहीं कहे। पहली बात तो ये कि अब आप वजीर दाखिला नहीं है, आपका आज दिन तक कोई ऐसा मीडिया इंटरेक्शन के वाले से कोई वाज़ह मैकेनिज्म नहीं है कि अगर किसी ने कोई खबर कंफर्म करनी हो तो वो उसके लिए आप तक पहुँच। दूसरी बात ये कि जहाँ तक तरदीद की बात है तो वो शायद रवायत रही है, हम पंजाब हाउस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें आपने सियासत को भी कारदार कहने का ऐलान किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहीं जिनकी आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद ही तरदीद कर दी थी। तो दूसरी इस शॉर्ट करें, सवाल करें ना जी, आप सवाल मेरा, क्योंकि आपने मीडिया को चार्जशीट नहीं, मैंने कोई चार्जशीट नहीं किया, अल्फाज आप दुरुस्त करें ना। मैंने कहा है कि 95% से ज्यादा ठीक रिपोर्टिंग हुई है, मैंने कहा है, मगर शायद 5% से भी कम लोगों ने एक फेक न्यूज चलाई। और चूंकि यहाँ माहौल ऐसे है कि एक चैनल चलता है तो दूसरा भी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से चलता है, तो वो चल पड़ी। दूसरा बदकंड भी बनाया जा रहा है जिस तरह आपने बनाया है। नहीं यार, मेरी बात तो सुन लेना, दुनिया जहान को डेविल्स एडवोकेट का मतलब है कि जो मनफी, जो एक नेगेटिव सोच या एक डेविल जो एक सवाल कर सकता है उस हवाले से है। सो मुझे इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। डेविल्स एडवोकेट डेविल्स एडवोकेट होता है, वो हर एक को मालूम है। अब असल सब्सटेंस के बजाय और पे तवज्जो दें तो वो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझे जवाब देने दें। मेरी वो भी जो जिसका आप हवाला दे रहे हैं तकरीर रिकॉर्ड पे है, जरा एक दफा फिर उसको निकाल लें। ये दुरुस्त है कि उससे अगली रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैंने सियासत को छोड़ना है। मेरे पास आए ख्वाजा साद रफीक, मियाँ शहबाज शरीफ, स्पीकर नेशनल असम्बली, 2-3 और इसहाक दार साहब, और मैंने उनसे कहा, उन्हें कहा नहीं, ये बाकायदा उस मेरे स्टेटमेंट में जाके रिकॉर्ड देख लें कि ये मेरा ख्याल था कल तक। वो कल तक तो किसी ने उसके कॉन्फ्रेंस के अंदरून किसी ने आगे कर दिया और वो चल गया जी सियासत से रिटायर होने वाले। जरा ये मुझसे सवाल किए और मुझ पे चार्जशीट करने से पहले खुदा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी रिकॉर्डेड है, जाके उसको देख लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर ये सवाल करें, वरना ये तो फिर बात को बदगर बनाने वाली बात है। एक सियासी जो आपको बात करते रहते हैं, आप ज़ाती तौर पर उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जब टिकट दिए गए आपके मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा चौधरी निसार अली खां की जो बुखलाहट है
وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ چار حلقوں سے آپ لڑ رہے ہیں, کئی بات کہی جاتی ہے جی ووٹ نواز شریف کا ہے, تو کیا ووٹ واقعی ان چار حلقوں میں نواز شریف کا جو نثار کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی میں واضح کر دوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلی الیکشن میں میں چار سیٹوں سے الیکشن لڑا تھا اور ایک سیٹ پہ ذرا تھوڑی سی مجھے چیلنج ہوئی, تو میں نے کہا کہ تین پہ میں شیر پہ لڑوں گا, ایک پہ میں نے پھر ٹکٹ نہیں لیا اور میں وہاں سے جیتا. سو میری گزارش یہ ہے کہ دو قومی اسمبلی کی سیٹوں سے میں اس لیے لڑتا ہوں کیونکہ جب میرا حلقہ تقسیم ہوا تو کچھ حلقہ میرا اس طرف چلا گیا اور کچھ حلقہ اس طرف چلا گیا, اس لیے میں دو قومی اسمبلی, وہاں اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور وہ میں پارٹی کے لیے ہمیشہ لڑتا آیا ہوں. صوبائی اسمبلی اس لیے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ان کو کور کرنے کے لیے اگر میں خود کینڈیڈیٹ ہو جاؤں تو وہ بیٹھ جائیں گے اور ایک دفعہ میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر سیٹ لینی آسان ہوتی ہے. یہ اس حوالے سے جہاں تک ووٹ بینک کا تعلق ہے, انشاءاللہ 25 جولائی کو سب جواب, میں جواب دینا اچھا نہیں لگتا, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جی. میں ایک منٹ, باری 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 اگر جیتے ہیں آپ, کیا وہ دونوں سیٹیں پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈالیں گے یا کہ کسی اور کو دیں گے؟ وہ دوسری بات یہ کہ اختلاف ذہین قادری آپ کو بتائے کل اس نے پریس کانفرنس کی, لیڈر بن گئے جو اپوزیشن کی ہے, آپ کھل کے بول نہیں رہے, انہوں نے کھل کے بات کی, کیا ذہین قادری کی طرح کا کوئی رول ہوگا آپ کا کہ کھل کے بات میں سیاست اپنے طریقے سے کرتا ہوں, کسی اور سے مجھے مواصلت نہ کیجیے, نہ میں نے کوئی دنگا فساد کرنا ہے, زندگی بھر نہیں کیا. ایک بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ بات پہ ہو سکتی ہے مگر یہ دنگا فساد یہ سیاست نہیں ہے. سو آپ کسی اور کی مجھے مثال تو نہ دیں.